हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्रोटोन पौधे की कटिंग से आप उसको कैसे उगा सकते हैं। जी हाँ, मॉनसून सीजन खत्म होने वाला है, इससे पहले मॉनसून सीजन चला जाए, कुछ अभी बचे हैं 20-25 दिन, तो आप कर लीजिए ये बहुत जल्दी बहुत ज़रूरी काम। जितने जितने आपके महंगे पौधे हैं उनसे आप नए नए पौधे बना लीजिए बिल्कुल फ्री में। ये पौधा हमारे यहाँ तो 150 रुपये से कम 250 रुपये तक मिलता है क्रोटोन का पौधा, लेकिन आप बिल्कुल ज़ीरो प्राइस में इसे बना सकते हैं मेरे बताए हुए तरीके के अनुसार। आप देखें कितना खूबसूरत होता है ये पौधा, इसकी खूबसूरती इसके पत्तों के डिज़ाइन और कलर में होती है जो बहुत खूबसूरत होते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ से इस पौधे की एक कटिंग निकाली थी, इसकी एक ब्रांच को मैंने कट कर लिया था और उस ब्रांच के भी मैंने फर्दर दो पार्ट कर लिए थे और उनको दो अलग अलग पॉट में मैंने इंसर्ट कर दिया था। चलो देखते हैं, अब आ गए हमारी छत पे हम, और मेरे सामने रखे हैं दो पॉट। एक पॉट जिसमें कि मैंने रखी है रिवर सोइल, बजरी जिसे कहते हैं, जो मोटी वाली हो, दानेदार होती है, उसे मैंने उगाया। जो शेलो पॉट है मेरा ये वाला, इसमें मैंने उगाया है बजरी। में मुझे देखना था, डिफ्रेंशिएट करना था कि कैसे इनकी रूटनिंग होती दो अलग अलग तरह की सोइल में। और दूसरा मैंने जो पोट आपके सामने रखा हुआ है वो मेरा एक रेन लिली का पोट है, उसमें मैंने ऐसे ही जस्ट इसकी एक कटिंग करके उसको इंसर्ट कर दिया था। ये देखिए, मैंने इस वाले शैलो पोट में डाली है बजरी, रिवर सोइल। रिवर सोइल जो होती है वो बहुत दानेदार होती है और उसमें पानी जो है वो स्टे नहीं करता, वो सबसे ज़रूरी होता है किसी भी कटिंग को उगाने के लिए, क्योंकि पानी अगर पॉट में स्टे कर गया तो आपकी जड़ें गल जाएंगी। और मेक श्योर कि ड्रेनेज अच्छा हो आपका। मेरा ये पॉट जो है हांडी थी वैसे तो मेरी एक, पर ये फूट गई थी नीचे से, तो इसमें से पानी निकलता रहता है, ड्रेनेज होता रहता है, तो बहुत अच्छा पॉट बन गया। अब ये सेकंड पॉट मैं दिखाती हूँ, इसमें नॉर्मल सब मतलब सोइल मिक्सचर वगैरह सब कुछ है इसमें नॉर्मल, मैंने क्योंकि इसमें रेन लिली के पौधे उगाए हुए हैं। तो उसी एक मेन ब्रांच जो मैंने काटी थी उसको ऊपर से एक बार और काट के मैंने ऊपर की कटिंग मैंने इसमें डाल दी। मैंने ये दोनों रख दिए थे, मुझे हो गया होगा इनको 1 महीना करीब हो गया आराम से, और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बाकायदा कि कैसे इनकी जड़ें जो है वो निकल आई हैं। और ये देखिए, आपको कोई भी फूल नहीं कर रहा है यहाँ पे, प्रूफ अभी दिख जाएगा आपको। 1 2 3 एंड गो, एंड लुक एट दिस, कितनी डेंस रूटनिंग हो चुकी है। और ये है नॉर्मल सोइल जिसमें आपको कोकोपीट और सोइल वो सब कुछ मिक्स रहता है, मतलब आप नॉर्मल जो भी पौधा उगाया हुआ है उसमें इंसर्ट कर दीजिए डाली को और बाहर रख दीजिए उसको। कोई अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा फैंसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और बस एक चीज़ बार बार मैं बोलती हूँ कि पानी आपके पॉट में खड़ा रहना नहीं चाहिए। ये देखिए, मेरे इस पोर्ट से अभी भी थोड़ी बहुत बूंदें जो इसमें हैं वो निकल रही हैं, प्रॉपर पानी निकल रहा है। मेक श्योर आप देखते रहें, चेक करते रहें बार बार। अब ये सेकंड पौधा जो है इस पोर्ट में, वो पोर्ट में मेरा ड्रेनेज अच्छे से कर रहा है। अब इसको भी हम निकालेंगे, दैट्स इट। ये देखिए, एक डिफरेंस तो मुझे देखने को मिल रहा है कि इसकी जो रिवर सोइल में जो मैंने उगाया है उसकी जड़ें बहुत मोटी मोटी मजबूत हैं और उसकी इतनी जड़ें इतनी मजबूत नहीं हैं। बाकी जड़ें उसकी फैली उसकी भी बहुत ज़्यादा है। ये जो ऊपर के पत्ते आप देख रहे हैं ये सारे मेरे आफ्टर ग्रोथ हैं, मैंने इसको कटिंग को जब इस मिट्टी में डाला था। नीचे की दो पत्तियां सिर्फ इसकी पुरानी हैं, बाकी सारी पत्तियां बाद में आई हैं। और मेरे ये एक डाली से मैंने दो नए क्रोटन के पौधे बना लिए हैं। ये देखिए, हम लेते हैं अभी अपने उन कटिंग्स से उगाए हुए प्लांटलेट्स को, अब हम बनाते हैं बड़े बड़े प्लांट्स इन बड़े बड़े प्लांटर्स में लगा के। मैंने इसमें गार्डन सोइल और कोकोपीट का मेरे पास ही मिक्सचर है, इसमें थोड़ा सा मैंने कंपोस्ट भी डाल रखा है। मैंने सोइल मिक्सचर पहले से तैयार करके रखा है, दो पोटों में पोट्स मैंने भर लिए हैं और मैंने लगा दी हैं मेरे छोटे छोटे प्लांटलेट क्रोटोन की। मेरे पास और दो नए पौधे बन गए हैं बिल्कुल फ्री में। अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें हल्का सा पानी, एक बार पानी डालूंगी मैं उसको बाहर दीवार पे रख दूंगी, आउटडोर में अपने आप पानी मिलता रहेगा, ड्रेनेज होता रहेगा और हमारे छोटे छोटे प्लांटलेट जो हमें कटिंग से उगाए हैं बन जाएंगे सुंदर सुंदर बड़े बड़े पौधे। अब हम चाहें तो किसी को गिफ्ट दे सकते हैं या अपने घर में भी सजा सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा क्रोटन प्लांट पर, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।